ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा को विज्ञान के किसी साधन से देखा नहीं जा सकता, फिर कैसे माने कि भृकुटी में है? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जिसे हम विज्ञान के किसी साधन से नहीं देख सकते। परंतु ज्ञान के तीसरे नेत्र से जरूर समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और उसी ज्ञान के तीसरे नेत्र के हिसाब से ही हम ये भी समझ सकते हैं कि वो कहाँ है। परमपिता परमात्मा ने, मीठे मीठे बाबा ने आकर अच्छी तरह से समझा दिया है कि जहां ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, यहां से 2 से 3 इंच अंदर जहां रीढ़ की हड्डी ब्रेन से जुड़ती है, जहां 3 ग्लैंड्स हैं, पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, इन तीनों के बीच में आत्मा की सीट है, जहां आत्मा मैसेज रिसीव करती है, एनालाइज करती है और उसे कैसे करना है ये निर्णय करती है। और जो काम हम बार बार करते हैं वो संस्कार बनता जाता है। तो आत्मा का स्थान भृकुटी है, इसलिए जब हमें कुछ याद नहीं आता तो हाथ यहां जाता है। मेडिटेशन में से आज्ञा चक्र कहा गया है, क्योंकि यहीं से पूरी बॉडी का कंट्रोल होता है। तो अब हमें परमपिता परमात्मा ने समझाया कि आत्मा इस शरीर का कंट्रोलर है, जो अपनी सीट पर बैठकर इस शरीर को चलाता है, इस शरीर से कर्म कराता है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर